हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी वजन कैसे कम करें। ज़्यादा वजन के कारण हमारा पेट मोटा दिखने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। इससे कैंसर से लेकर दिल की बीमारी भी हो सकती हैं। ज़्यादा वजन वाले लोग थोड़ा काम करके भी थक जाते हैं। ज़्यादा वजन बढ़ने से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, जोड़ों में दर्द, हार्निया, आंत की समस्याएं, ये सब बीमारी हो सकती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वजन कम करने के लिए क्या पीना चाहिए और क्या खाना चाहिए। पीने से आपके पेट की चर्बी कम होगी और यह आपके वजन कम करने में आपकी हेल्प करेगा। थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो आप अपने घर की सीढ़ियों पे 15 से 20 बार चढ़ें और उतरें, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लें। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। दलिया कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल से भरपूर होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है। सेकेंड है अंडा। अंडे में प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, मिनरल खूब होता है, जो वजन घटाने में मदद करता है। वजन घटाने के लिए आपको अंडे का सफ़ेद हिस्सा खाना है। सेकंड है पोहा। पोहे में सब्जियां और नट्स मिला के ये और भी पोषक बन जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होता है, जो आपके वजन घटाने में आपकी हेल्प करेगा। सेकेंड है सूजी। सूजी में सोडियम काफ़ी होता है, ये आपके वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। सेकेंड है ओट्स। ओट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, जो आपके वजन घटाने में मदद करता है। ब्रेकफास्ट में आप ये सब ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपको लंच कैसे करना है। लंच में जो आप खाते हैं उसे दो हिस्से में बांट लें, थोड़ा थोड़ा खाएँ, एक साथ पेट भर के न खाएँ। खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। स्नैक, अगर आपको स्नैक खाने की आदत है तो उसकी जगह आप मूंगफली, बादाम और काजू खाएं। फिर भी अगर आपको भूख लगे तो आप फ्रूट या जूस पिएं। जूस में आप पालक या लौकी का जूस शामिल कर सकते हैं। डिनर में जो हम चावल, दाल, रोटी या सब्जी खाते हैं, उसकी जगह हमें अंकुरित दाल, चना और सलाद खाना है। अगर आपको जल्दी वजन घटाना है तो इसे इसी तरह फॉलो करें।